आज हम उस मसीहा की बात करेंगे जो बातों से परे है। क्या कहें और क्या ना कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं। कभी कभी तो मन करता है बस कहते ही जाएं। उनके लिए तो हमारे हृदय के भाव असीम हैं, अनंत हैं, और कभी कभी वे भाव किसी और रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब उनकी याद आ रही हो तो आंखों में आंसू बनकर, और जब उनके साथ बिताए हुए पल याद आए तो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बनकर। जो उन्होंने कहा वही किया, और जो किया वही कहा। किसी शायर की वो पंक्तियां जहन में आ रही हैं। उल्फत निभाने की अदा आपको क्या खूब आती थी, जो अल्फाज ना कह पाए आपकी खामोशी ही कह जाती थी। आप समझ ही गए होंगे कि हम जिक्र कर रहे हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। हरदेव, हर हृदय के देव, यानी मेरे हरदेव, हम सब के हरदेव, और उन्हीं के जीवन की चर्चा करने के लिए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में मैं हूं आपका साथी वरुण। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, आज लगभग 4 साल होने को आए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वे मुस्कान आज भी हमारी आंखों के सामने है। वो प्यार, विनम्रता, सहनशीलता, विशालता, समदृष्टि, विश्वास, कोई भी तो ऐसा पहलू नहीं जो आपने हमें जीकर ना दिखाया हो। लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जिसका हल हमें आपसे ना मिला हो। किसी को आपके साधारण शब्दों में वे कहे गए कल्याणकारी वचनों से मिल गया, और लाखों लाखों ने आपके कर्ममय जीवन को देखकर कितना कुछ ऐसे ही सीख लिया। आज भी यही सिखलाई हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंतर देते चले आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही रूहानी संदेश। हमारे मन में तो काफ़ी बार ऐसी अवस्थाएं आती रहती हैं कि कभी कोई अवस्था आ जाती है, कभी हम ठीक बैठे हैं अचानक से उदास हो गए, अचानक से फिर खुश हो गए, या कैसी भी मन की जब अवस्था हो उससे फिर विपरीत भावनाएं भी हमारे अंदर कभी आ जाती हैं। तो वो विपरीत भावना भी जब आ गई तो कैसे उस तरह वो बात हो कि अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ भी रहा है तो जैसे एक पाँव में कांटा लगने वाली बात होती है, वो कांटा हम नहीं चाहते कि ज़्यादा देर हमको चुभा रहे ताकि हमें तकलीफ़ बढ़े। हमारी कोशिश रहती है कि उसी समय वो कांटे को निकाल के दूर किया जाए। ऐसे ही जो कोई भी विपरीत सोच हमारे अंदर आ रही है, कोई बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो उसको हमने अपने मन में ज़्यादा देर घर नहीं करने देना। साथ के साथ ही इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का निरंकार का आसरा लेते हुए कि ये ख्याल भी जहाँ आ रहे हैं खुद को भी परेशानी दे रहे हैं, और जिसके लिए ये ख्याल आ रहे हैं वो अगर ख्याल कर्म में तब्दील हो जाएं तो उसको भी आगे नुकसान होगा। तो कैसे ये इससे पहले कि वो सोच व्यवहार में आ जाए उसको वहीं ख़त्म करने वाली बात है। बाबा जी ने एक बार जिक्र किया कि हमारा दांत कमज़ोर हो जाए तो हम कह देते हैं कि टूथ डिके हो गया है, यानी कि दांत खराब हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में ट्रुथ डिके हो जाए, यानी कि ये सच ही हमारे जीवन से निकल जाए। क्योंकि अगर ये सच ट्रुथ ही जीवन में ना रहा तो विश्वास किस पर करेंगे, वो शुक्राने वाला भाव, वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जीवन में कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें सच्चाई को हमेशा जिंदा रखना है। इन्होंने ही तो हमें जीना सिखाया है, वो शिकवे से शुक्राने तक पहुंचाया है। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही भावों से सजा हुआ ये मधुर गीत। मेरे रहबरा में करा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया में करा किस तरह। मेरे रहबरा में करा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया मैं करा किस तरह, मेरे ख्याला तो भी वध के, मेरे ख्याला तो भी वध के, जीवन मेरा सजा रे। शुक्रिया 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 शुक्रिया, मेरे रहबरा मैं करा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करा किस तरह। हर सांस तेरा शुक्र रहे, रोम रोम विच तेरा जिक्र रहे, हर सांस तेरा शुक्र रहे, रोम रोम विच तेरा जिक्र रहे, बन जावा नूर ओ हो, बन जावा नूर ओ हो, जो भी तू चारे। शुक्रिया शुक्रिया रहबरा, शुक्रिया शुक्रिया मेहरमा। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम तो प्यार के भाव से युक्त रहते हैं, परंतु सामने से यदि प्रेम ना मिले तो क्या करें? बाबा जी ने केवल इतना कहा, इंक्रीज द डोज। मुझे लगता है इससे ऊपर कोई सलूशन नहीं है, पर संसार में परिवार में रहते हुए कभी कभी हम डोज बढ़ाने की बजाय घटा भी देते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, शायद इसीलिए उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाते जो सतगुरु देना चाहते हैं। अब संसार और परिवार छोड़ तो सकते नहीं, रहना तो इसी में ही है। अब इसमें रहते हुए कुछ ऐसे होंगे जिनसे हमारी सोच मिलेगी, कुछ से नहीं मिलेगी, कुछ से शायद सोच का टकराव भी हो, और इन सब सिचुएशंस के बीच में कैसे प्यार से रहना है ये हुनर भक्त सतगुरु से ही प्राप्त करता है। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय जीपी चड्डा जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर हैं और साथ ही संत निरंकारी सेवा दल में केंद्रीय अधिकारी हैं और मिशन के प्रचार प्रसार में अनेकों सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज की इस पैनल डिस्कशन के हमारे दूसरे मेहमान हैं आदरणीय अवनीश दुग्गल जी, हु इज ए बैंकर एंड इज डिलीजेंटली सर्विंग द मिशन इन वेरियस फॉर्म्स। आप दोनों का वॉइस डिवाइन स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू जी, तनकार जी। थैंक यू जी, तनकार जी। धनकार जी। तो जीपी चड्डा जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि संसार समाज और परिवार में हार्मनी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ कैसे जिया जा सकता है। थैंक यू वरुण जी। यहाँ पर मुझे एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अनेकों बार दिया। उन्होंने एक बार उदाहरण दिया कि लंदन के अंदर एक पार्क में जब वो घूमने गए तो देखा बड़ा सुंदर पार्क था, उसमें अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे, अलग अलग साइजेस थे और बड़ा सुंदर लग रहा था। और आगे हजूर ने फरमाया कि वो सुंदर इसलिए लग रहा था क्योंकि किसी फूल को अपने किसी रंग का या अपने साइज का अभिमान नहीं था, वो दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे थे और अपने आप की भी हैसियत को पहचानते हुए एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में हार्मनी के साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। और शायद ये बात हमने अनेकों बार सुनी भी होगी और इस बात को शायद हम मानते भी हैं कि ये पॉसिबल है कि वो फूल एक हार्मनी के अंदर कैसे सुंदर बगीचे का रूप बनते हैं। पर एक और उदाहरण जो मुझे याद आता है अक्सर जी, किसी ने ये एक बार कहा कि हम सबको मालूम है कि अपनी अच्छी सेहत बनाने के लिए मुझे ब्रिस्क वॉकिंग करनी ज़रूरी है या शायद मुझे फ्रूट फल सब्जियाँ खानी ज़रूरी हैं। अब इस बात को मैं मानता भी हूँ, जानता भी हूँ,
लेकिन लाभ मुझे तभी होता है अगर उसको मैं अपनाता हूँ, अगर मैं अपने जीवन में वो कार्य करता हूँ तो मेरी सेहत अच्छी बनती है। तो जानकारी होना एक बात और उसको करना अपने जीवन में, उसको अपनाना दूसरी बात होती है। लाभ तभी होता है कि वो जीवन में अपना लूँ जी। पर फिर कहीं ये भी बात ध्यान में आती है कि ये बातें कहने सुनने में भी अच्छी लगती हैं, पर क्या ये हो सकता है कि मैं अपने जीवन में वो बात ले आऊँ। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि ये तो जी बड़ा अच्छी बात आपने कही, पर मैं इसको अपनाऊँ कैसे। तो क्या ये हो सकता है कि मैं अपने आप को बदल लूँ, मैं अपना स्वभाव बदल लूँ। तो ये हाईली प्रोग्रामेबल है कि मैं अपने स्वभाव को बदल सकता हूँ। जब शुरू शुरू में बचपन में संगत में आते थे तो वहाँ हमारे एक महात्मा ने ये बताया कि कोई गीत याद करना हो तो उसको 40 बार दोहराओ तो वो याद हो जाता है। और ये करके देखा, वाकई याद हो जाता है। भाव कि अगर किसी चीज़ को बार बार करते जाएं रिपीट तो वो मेरा स्वभाव बन जाता है। तो बात शुरू हुई थी कि पहले मेरी चाहत हो वो करने की और फिर मैं उस एक्शन को करना शुरू कर दूं तो फिर वो अपने आप मेरे स्वभाव में आ जाता है और मेरा स्वभाव में आने के बाद मैं वैसा बन जाता हूं। तो जो वरुण जी आप जी ने सवाल किया था तो मेरे हिसाब से उसका उत्तर यही बनता है कि एक बार मेरी सोच हो जाती है कि मैं एक्सेप्ट करूँ सबको, उसके बाद मैं उसका अभ्यास करूं तो हो सकता है कि पहली बार में ना मैं बदल पाऊं ना कोई दूसरा बदल पाए, पर जब मैं बार 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 वो करता हूं तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी अवर जाते सिल पर परत निशान, वो बार 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 करते करते वो अपने आप मेरे लिए बदल जाता है। तो फिर वो जो पीसफुल एग्जिस्टेंस हारमोनी की हम बात कर रहे हैं वो मेरे से शुरुआत होकर और आगे फैलती चली जाती है। तो वही बात कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि अगर मेरा इंटेंट है तो मैं अचीव भी कर लूंगा। तो अवनीश जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वरुण जी अगर हारमोनी की हम बात करते हैं जी, तो एक बहुत सुंदर एंगल जो बाबा हरदेव सिंह जी ने हारमोनी का दिया तो वो था कि हारमोनी को अगर हम उसका संधि विच्छेद करें तो वो बनता है हारमनी। तो इस नज़रिए से भी इस शब्द को जो है हम देख सकते हैं। और ऐसे कोई सज्जन महात्मा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्यार को बसाया है और हारमोनी से जीवन को जीकर दिखाया है तो फिर वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, संसारिक रिश्ता हो, जैसा भी हो, वो सारे ही रिश्ते बहुत खूबसूरती से निपटे चले जाते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो अगर हम निरंतर सेवा सिमरन और सत्संग में अपना समय लगाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी हैबिट्स की, हमारे नेचर की एक कंटिन्यूस एक कंडीशनिंग चलती रहती है और जो हमें एक उत्तमता की तरफ लेकर जाती है। इसका बड़ा कारण एक और अगर एंगल एक्सप्लोर करें तो ये भी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी सीखा है आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ माई स्टडीज़ या जो भी हमें सिखाया गया है, इन सब चीज़ों से ऊपर जो है वो मेरे सद्गुरु की शिक्षा है। जो वो शिक्षा दे रहे हैं अगर मैं उसको यार्डस्टिक अपनाकर अपना जीवन जीता हूँ तो निरंतर ही वो मेरा एक ऐसे स्वभाव में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनसे मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ और ज़्यादा समाज के लिए, संसार के लिए प्रोडक्टिव बना सकता हूँ और ऐसी देन एक सोसाइटी को दे सकता हूँ जिससे एट लार्ज एक पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिले। और कहीं अगर ईगो सामने आ जाए तो वहाँ तो हारना ही ठीक रहता है। जैसे बहुत एक सुंदर किसी एक शायर ने लिखा है, ज़िंदगी का ये हुनर भी अपनाना चाहिए, गर जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। वाह वाह, बाबा हरदेव सिंह जी ने भी कहा कि हमें दिल जीतने हैं, दलीले नहीं। और जहां हारमोनी मेंटेन करने की बात आती है रिश्तों में, समाज में, परिवार में, वैसे ही एक बैलेंस की हमें बहुत ज़रूरत होती है अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ में। तो जीपी चड्डा जी, जहां हम आपको वर्षों वर्ष से देख रहे हैं कि आप इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, जहां संसार में इतनी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, परिवार के प्रति, वहां मिशन में भी अनेकों अनेकों सेवाएं आप निरंतर निभाते आ रहे हैं, तो आप ये सब इतने अच्छे से कैसे मैनेज करते हैं? तो आपने एक बड़ा सुंदर शब्द बोला कि ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज कैसे किया है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि मेरी ज़िंदगी में पंचुअलिटी है, डिसिप्लिन है। और अगर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो पंचुअलिटी से एक ट्रस्टवर्दीनेस आती है, एक प्रिसाइजनेस आती है। और ये सारी चीज़ें तब सार्थक होती हैं अगर मेरा एक स्पिरिचुअल एंगल भी हो। जो थोड़ी देर पहले आपने भी तीनों की बात की तो भी हमने
पहले प्रश्न के अंदर सामाजिक की और पारिवारिक जीवन की बात की। अब अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि स्पिरिचुअल एंगल क्या है, आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, तो अध्यात्म का भाव है कि मैं इस निरंकार के दर्शन करके हर एक को इस निरंकार का अंश मानते हुए अपने जैसा समझता हूँ। अगर ये इंटेंट मेरे अंदर आ गई तो मेरे लिए हर कोई मेरे से सुपीरियर हो गया और कोई इन्फीरियर नहीं रहता। अगर इसके साथ पंचुअलिटी को देखें तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ये भी भाव आता है कि इट इज़ रिस्पेक्टिंग दी अदर पर्सनस टाइम ऑल्सो, कि अगर मैं कहीं लेट होता हूँ तो मैं केवल अपना नहीं उसका भी नुकसान कर रहा हूँ जिसको मैं अपने से सुपीरियर मानता हूँ। तो घूम फिर के नुकसान मेरा अपना ही हो रहा है। बिल्कुल। तो जब मेरा अपना ही नुकसान हो रहा है तो फिर मैं ऐसा कर्म क्यों करता हूँ? आपने जैसे बताया कि सेवा दल के साथ भी मेरा जुड़ाव है, उसमें भी सेवाएं मिली हैं, तो मैं मैसेज क्या देता हूँ? अगर मैं खुद पंचुअल हूँ, मैं खुद ऑर्गेनाइज हूँ, मैं खुद समय के साथ जो मेरे जो मर्यादाएं बंधी है उसके साथ रहता हूँ, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि कैसा एक जीवन होना चाहिए एक सेवादार का, एक मिशन के संत सिपाही का। मुझे वो बात भी अक्सर याद आती है जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार वो कनाडा के शायद टूर के दौरान कही थी, जिसका कुछ भावार्थ ऐसा था कि परमात्मा का जिक्र हर रोज़ करो पर कोशिश करो कि शब्दों की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मेरे कर्म ऐसे हों कि मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे कर्मों के साथ ही वो मैसेज पहुँचता चला जाए कि व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। तो जो इंटेंट की बात हुई शायद वो भी फिर वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि मेरा अपना इंटेंट कैसा है, इज़ इट माई कन्वीनियंस और इज़ इट द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स। और अगर मेरे लिए सब सेम है, अगर हारमोनी वाली बात है, स्पिरिचुअलिज्म वाली बात है, तो देन इट इज़ द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स टाइम ऑल्सो विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज फार एज द रिस्पेक्ट फॉर माई ओन टाइम इज़ कंसर्न। तो भाव जहाँ पर मैं इस बात को समापन करना चाहूँगा, जहाँ से शुरुआत हुई थी कि ये कहीं ना कहीं मेरे इंटेंट की बात होती है। अगर मेरा इंटेंट है तो मैं हर चीज़ के अंदर वो सामंजस्य बनाता हूँ, चाहे वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे मेरी वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे मेरी वो पर्सनल लाइफ है, हर जगह वही चीज़ फ्लो होती है। मैं दो पर्सनैलिटी से नहीं जी सकता, मेरी पर्सनैलिटी वही रहती है, हर जगह वो नज़र आता है। और अगर इंटेंट है तो ये हो ही नहीं सकता कि मेरा वो कार्य ना हो। और ये अनेकों बार इस समय शायद मैं वो एग्जांपल तो नहीं कोट कर सकता, पर मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से बात कह रहा हूँ कि जिस समय इंटेंट होता है तो सदगुरु भी ऐसी कृपा करते हैं कि वो कार्य उसी समय के मुताबिक पूरा होता चला जाता है, फिर मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर मेरा इंटेंट है तो मैं स्पिरिचुअली भी एक्टिवेटेड हूँ, वहाँ पर भी मैं एक रोल मॉडल एग्जाम्पल की तरह अपने आप को पेश करता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं अच्छा हूँ और पर्सनल लाइफ में भी अच्छा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से एक मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि इंटेंट और जो हमने पहले बात की थी उसके बाद प्रैक्टिस, और बार बार प्रैक्टिस तो मेरा अपने आप जीवन वैसा बनता चला जाता है। तो जहाँ इंटेंशन की बात करें, गुरसिख के लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इंटेंट टू अचीव, क्योंकि उसके लिए ये सतगुरु का आदेश है, तो अपने आप ही वो इंटेंशन बन जाती है। तो अवनीश जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वरुण जी, ये जो एक ज़िंदगी मिली है इसमें एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, सेवा वाला हिस्सा भी है, फैमिली लाइफ भी है, और दिया ये सब कुछ निरंकार ने ही है और करवाना भी इसी ने है। और अगर मैं इसको बेस्ट एक ज़िंदगी को, प्रोफेशनल लाइफ को, सेवा वाले पार्ट को, संगत वाले पार्ट को, उसका एक बेस्ट बेंचमार्क देखूं, तो हु बेटर देन सतगुरु। हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की ज़िंदगी अगर देखें, हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो हमारे प्रेजेंट सतगुरु हैं, उनकी लाइफ देखें तो कैसे वो एक ग्रस्त वाला जीवन भी कितनी सुंदरता से निभा रहे हैं, संगत सेवा वाला, वो जो एक उनका एक पूरा स्केड्यूल है, जगह जगह जाकर प्रचार है मिशन का, उसको कितने सुंदर रूप से निभा रहे हैं, कितनों की ज़िंदगियाँ तार रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक वहाँ से जो सीख मिलेगी उसका कोई सानी नहीं है। तो अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं कि कैसे उन चीज़ों को मैं वो कर पाता हूं, तो जैसे जीपी चड्डा जी ने कहा कि अगर इंटेंट स्ट्रांग हो, अगर अंदर से ये भाव हो, डिटर्मिनेशन हो कि ये काम को इस तरीके से करना है, तो देर आर एन नंबर ऑफ़ टास्क जो मुझे एक दिन में करने हैं, तो उसमें वो संगत भी है, सेवा भी है, कुछ अपने ऑफिस के काम भी हैं, घर के काम भी हैं, तो निश्चित ही एक प्लानिंग ऑटोमेटिक बन जाती है और उनको करने के लिए वक्त भी धीरे धीरे निकलता चला जाता है।
और ये जो सामंजस्य है सारी चीज़ों का, ये तभी बन पाता है जब मैं सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ। अब जैसे सेवा कुछ है अगर करनी है, तो उसको करने के लिए मेरे को ये नहीं है कि मैंने कोई अपनी ऑफिस की जॉब छोड़ दी है। मैं जॉब भी करता हूँ और सेवा को करने के लिए उसके लिए टाइम निकालने के लिए फैमिली से सपोर्ट भी मिलती है, और जो प्यार वहाँ से मिलता है उसको साथ लेकर, और जो स्पिरिचुअलिटी से जो ताकत मिलती है, सारे ही काम फिर सारे एरियाज जो हैं वो अपने आप बड़े सुंदर ढंग से जो है निपटते चले जाते हैं। तो वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो ये वाला भाव लेकर और एकदम जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए जो जो चीज़ें हम सीखते हैं अपनी लाइफ में, और जाहिर सी बात है कभी चैलेंजेस भी आते हैं, देर आर डाउन टर्न्स ऑल्सो, तो उस समय मन को इसी तरीके से ये समझाकर ही मजबूत करते हैं कि ये भी एक ऐसा खेल है जो मुझे सिखाने के लिए है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? वो एक जीवन जीने का तरीका है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का आधार बनाता हूँ तो निश्चित ही ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है और बहुत खूबसूरत हो जाता है। फिर चाहे वो सेवा करना है, चाहे अपनी ऑफिस की जॉब है या परिवार में रहना है, तो वो कोई भी चीज़ बर्डन नहीं लगती, किसी भी चीज़ की जो है कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं सहजता के साथ ही अपने आप निपटी चली जाती हैं। तो दातार कृपा करे जहाँ हम सभी की इंटेंशंस इतनी स्ट्रांग हों, वो इंटेंशंस कर्म में तब्दील हों, सोच में तब्दील हों, और साथ ही साथ जहाँ मेटलिस्टिक फ्रंट और स्पिरिचुअल फ्रंट दोनों को ही हम साथ लेकर चलें, और जितनी स्ट्रांग हमारी ये इंटेंशंस हों उतनी ही स्ट्रांग हमारी एग्जीक्यूशन भी हो। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वरुण जी। थैंक यू वरुण जी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस थॉटफुल डिस्कशन से हम सभी के पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो इस एनलाइटनिंग डिस्कशन के बाद अपनी वाणी को देता हूँ थोड़ा सा विराम, और सुनते हैं उनकी वाणी जो देती है दिलों को आराम। आइए सुनते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी का ये पावन शब्द। Thank you.
दोस्तों, सतगुरु समस्त संसार के लिए आते हैं और बाबा हरदेव सिंह जी ने भी संपूर्ण विश्व में समानता के साथ इस सत्य का प्रचार किया। फिर भी किसी भी गुरसिख से पूछ लें, वो यही कहता है कि मेरा उनके साथ अपना ही रिश्ता था, अपना ही अनुभव है। जैसे बाबा जी इस विश्व में मेरे लिए ही आए हों, मुझे बाबा जी ने इतना प्यार दिया। तो आइए ऐसे ही अनुभव सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है अनुभव अपने अपने। तो आज अपने अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ आदरणीय विजय बत्रा जी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ यूँ तो बहुत से ऐसे अनुभव रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनकी सिखलाई, कदम कदम पे उनका प्यार, हर पल उनकी रहमतें, और जहाँ हजूर ने ऐसी सेवा बख्शी है उसमें उनके दिशा निर्देश याद आते हैं। एक ऐसा अनुभव जहाँ पे उनकी विशालता का ऐसा प्रमाण, जब मंसूरी की से दिल्ली की ओर लौट रहे थे और रुड़की के पास जब गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट भी ऐसा कि ट्रैक्टर ट्राली से स्वराज माजदा जो हमारी गाड़ी होती है जिसमें बहुत सी बहनें थी, साइड से ऐसी टक्कर हुई कि बहनों को बहुत सी चोटें आई, और जैसे ही हुजूर को पता चला कि ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हुजूर वहाँ पहुँचे। पूज्य माता जी ने उतर कर सबसे पहले हुजूर के चरणों में अरदास की, और माता जी के हूबहू शब्द याद आ रहे हैं कि बाबा जी ना ते गिनती कटे ना किसी नु चोट लगे। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और जो वहाँ का लहू लुहान मंजर देखा, बहनों को चोटें देखी, मेरी बेटी भी उसके अंदर थी, मेरी वाइफ भी साथ थी, वाइफ की गर्दन पे हल्का सा कांच का चोट लगी, और माता जी को जब उनको निकालते हुए अपने साथ बिठाकर सिक्योरिटी की गाड़ी में मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और माँ का दुलार देखा, माँ का प्यार देखा, दुनिया में ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलेगा कि माँ ने अपने हाथ में टिशू पकड़े हुए हैं और बहनों को कह रही हैं कि मेरे हाथों में थूक दो, कोई भी गलती से कुछ भी निगलने का प्रयास ना करना, नहीं तो कांच अंदर चला जाएगा। सारी गाड़ी सिक्योरिटियों की, पुलिस की, जिन जिनको चोटें लगी थी, लेकर मुजफ्फरनगर की ओर चल पड़ी, और वहीं सड़क के किनारे बाबा जी की गाड़ी लैंड क्रूजनर और स्वराज माजदा गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो खड़ी थी, और मैं देख देख कर हैरान हो रहा था, मन में गुस्सा भी आ रहा था कि जिस ट्रैक्टर ट्राली वाले ने ये एक्सीडेंट किया है एक बार वो मिल जाए। इतने में ही उनका एक आदमी आया और कहने लगा कि आप साइड पे आ जाओ, आपसे बात करनी है। उसको देखकर और गुस्सा आ गया कि कमाल है, एक तो एक्सीडेंट करके रुका नहीं, और दूसरा उनका एक आदमी आकर जब सेटलमेंट की बात करने लगा, फिर और गुस्सा आ रहा था, ऐसे ऐसे कड़वे शब्द शायद बोल भी दिए होंगे, और जब कड़वे शब्दों को बोल रहा था तभी पीछे से हुजूर ने प्यार से कहा, विजय जी, जब मैं हुजूर के पास पहुंचा, जो सच्चे पातशाह ने दास को कहा, मेरा तो जमीन मेरे पाँव से निकल गई, मेरी रूह कांप गई कि मैं क्या कह रहा था, बाबा जी क्या सोच रहे थे। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि आप जाओ इनके साथ और जाकर देखो कहीं वो ट्रैक्टर चलाने वाले को कोई चोट तो नहीं लगी, अगर उसको चोट लगी है तो उसको भी हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। अचानक मन में ऐसी हुजूर का जब प्यार देखा, हुजूर की विशालता देखी, मन शर्म से डूब गया कि दुनिया में कहीं छोटी सी गाड़ी हमारी लग जाती है, हम आग बबूला हो जाते हैं, हाथापाई पे उतर जाते हैं, और इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा एक्सीडेंट, कितनी चोटें बहनों को आई, और मैं जाने क्या क्या शब्द कह रहा था, लेकिन हुजूर की विशालता, हुजूर का प्यार जब उस ट्राली वाले के प्रति देखा, तो उतार बानी की वो लाइन याद आ रही थी कि सतगुर आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुर आंदा है दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई। लेके प्यार आए सी सन प्यार दे गए, लेके प्यार आए सी सन प्यार दे गए, साटी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए,
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆ ਹਮੇਂ ਪੀੜਾ ਦੀ ਉਸਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਐਸੇ ਹੀ ਅਨਗਿਨਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਜਿਨਕੋ ਅਗਰ ਹਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਤੋ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਕਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੁਝਸੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਸੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਤੋ ਆਈਏ ਦੋਸਤੋ ਆਗੇ ਬੜਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਾ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ ਹਮ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹਮ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ सदगुरु ने सेवा दल को दिया एक अनुपम उपहार किया सेवा दल में नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार निरंकारी सेवा दल सिंपोजियम के रूप में मैं वर्दी हूँ सेवा दल की मैं वर्दी हूँ सेवा दल की मैं सेवा दल पे सजती सेवा दल पे सजती हंस हंस के जो पहन ले मुझको उसकी शोभा बनती मैं उसकी शोभा बनती मैं वर्दी हूँ सेवा दल की सदगुरु माता सुदीक्षा जी की पावन रहनुमाई में आगामी 21 और 22 फरवरी को समागम ग्राउंड दिल्ली में सेवा दल सिंपोजियम का आयोजन होने जा रहा है सेवा दल के सभी भाई बहन इस सिंपोजियम में सम्मिलित होकर सदगुरु की कृपाओं के भागीदार बने सुखों का द्वार सेवा है लाती बहार सेवा है बेचैन दिल है कोई अगर तो चैनो करार सेवा है सुखों का द्वार सेवा है लाती बहार सेवा है सुखों का द्वार सेवा है लाती बहार सेवा है ओ NSS निरंकारी सेवा दल सिंपोजियम आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और मैं हूं आपका साथी वरुण दोस्तों बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम हंसते हंसते ही सीख जाते हैं और इसी के लिए हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम ही है सीखें हंसते हंसते और इसके लिए आज हमारे साथ हैं राजू जी मुंबई से अजी आप मॉर्निंग वॉक करके आ गए हाँ हाँ आज बड़े जल्दी आ गए वो शॉर्टकट से आया ना इसलिए मॉर्निंग वॉक में भी शॉर्टकट तुम भी तो लंच में कभी कभी ब्रेकफास्ट दे देती हो आप भी तो ब्रेकफास्ट लंच की तरह ही करते हो अभी ऐसे ही चलता रहेगा कि खत्म होगा होगा कि नहीं हाँ होगा ना खत्म कब आप खत्म करोगे तब हर झगड़े का अंत आपके ही बोलने से ही तो होता है पता है ना हाँ भाई बोल देता हूँ तू सही मैं गलत हाँ अब शांति है ना और शांति है तो सुख है सुख का क्या है सुख आता है सुख जाता है पैसा आता है पैसा जाता है लेकिन एक बार जो ये मोटापा आता है वो जल्दी जाता नहीं कम खाया करो फिर मेरे खाने पे आ गई पता है ना किसी के खाने पीने की निंदा करना नहीं किसी और के नहीं मैं अपने पति से ही तो कह रही हूँ और वो भी इसलिए ताकि वो अच्छे दिखे उनकी सेहत अच्छी रहे और हम जिससे प्यार करते हैं उसी से कहेंगे ना ये बात सही है और जो सारी दुनिया से प्यार करता है वो तो दुनिया का भला सोचेगा ना आपके लिए मैं शर्ट लाई हूँ अच्छा किस खुशी में वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है मेरी ओर से अच्छा कितने का है मेरी 2500 की साड़ी है उस पे फ्री मिला
तुमने मेरी शर्ट के लिए साड़ी खरीदी, वाह वाह वाह। हाँ, मुझे पता था आप मेरा गिफ्ट भूल ही जाएंगे, इसलिए मैंने खुद ही खरीद लिया। ये शादी से पहले ही सब हग डे, टेडी डे, सब डे मनाना होता है। हाँ, और शादी के बाद तो सिर्फ चाय दे, खाना दे, कंबल दे, सोने दे, यही होता है। मुझे बताइए, डे मनाने से क्या होता है? प्यार तो दिल में होना चाहिए ना। हाँ, सोलमेट होना चाहिए। सोलमेट क्या है? दो जूते हैं, दोनों में सोल है, दोनों एक साथ आ गए, हो गए सोलमेट। आपसे तो बात ही करना फिजूल है। हम प्यार की बातें कर रहे थे ना, तो प्यार से करे ना। प्यार क्या होता है? प्यार में खो जाना होता है। प्यार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बाकी हर इमोशन का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन प्यार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तभी इंसान प्यार में गिरता है। प्यार में गिरना कोई प्यार नहीं, गिरते हुए को उठाना वो सच्चा प्यार है। अच्छा, तो बताइए, इस वैलेंटाइन डे पे कहाँ जाएंगे? कोई बढ़िया सी जगह ले जाना। अच्छा, बढ़िया सी जगह? शमशान घाट जाएंगे। वो बढ़िया जगह है? हाँ, वहाँ जाने के लिए लोग मरते हैं। आप भी ना। मजाक की बात छोड़ दो, तो प्यार में मर जाना ही तो होता है, मैं को मिटाना ही तो होता है। जैसे प्यार का मसीहा सबसे प्यार करता है और सब उससे प्यार करते हैं, भेदभाव दूर करके सबको गले लगाना ही तो हगडे है। मीठी बोली बोले, हर दिन बोले, हो गया ना हर दिन चॉकलेट डे। और टेडी की तरह बनना चाहिए, जहां भी रखे क्यूट ही लगे, कोई मन में अहंकार नहीं। और ये सब वेल इन टाइम करे, यानी वैलेंटाइन डे बोलते वक्त वेल इन टाइम भी सुनाई देता है ना कभी कभी। हाँ, सही कहा। हाँ, यही सही मायने में वैलेंटाइन डे मनाना है। तो बोलो, वैलेंटाइन डे मनाने कहाँ जाएंगे? सत्संग में जाएंगे। निराकार का एहसास है, सदगुरु का साथ है, संतों का प्यार है, उसके लिए तो हर दिन वैलेंटाइन डे है। तो हमने देखा कि हम हंसते हंसते ही कितनी बातें सीख जाते हैं। दोस्तों, जहां वर्तमान में जीना और सीखते रहना जरूरी है, उतना ही जरूरी है वो गुजरे इतिहास से भी सीख लेना। और इतिहास में ऐसे कई महात्मा हुए हैं जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे ही भाव लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है महात्माओं के जीवन से। उसी के जिक्र से मेरा बयान रोशन है कि जिसके नाम से सारा जहान रोशन है। वो एक नाम कि जिस नाम को लेने से जुबा पर मिश्री सी घुली जाती है। वो प्यार का एक मुजस्मा कि जिसे हृदय में बसा लेने से हृदय मंदिर बन जाता है। वो एक व्यक्तित्व कि जिसके आगे श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है आसमां भी। वो एक मसीहा कि जिसके परोपकारों के आगे सजदा करती है ये सारी की सारी कायनात। वो गुणों का एक समंदर जिससे प्रेम, परोपकार, धैर्य, त्याग, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता जैसे गुणों की परिभाषा बनती है। वो जीवन है बाबा हरदेव सिंह जी का। जी हाँ, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी बाबा हरदेव सिंह जी आज हमारे दिलों में समाई हैं। आपके परोपकार की अनेक दास्तानें हैं जो हर एक जिंदगानी कह रही है। जब बात धैर्य की आती है तो याद आते हैं 26 वर्ष के सद्गुरु बाबा हरदेव जी, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में भी अपार धैर्य धारण करते हुए अपकार नहीं उपकार का, संहार नहीं सिंगार का संदेश दिया। प्रेम आपके रोम रोम से बहता था, तभी तो किसी की खुशी देखकर आप खिलखिलाकर हंसते थे, तो किसी का दर्द आपको उदास कर जाता। हर अपरिचित भी आपका जाना पहचाना था। हर किसी से आपका रूहानियत का बड़ा गहरा नाता था। कोई भी चाहे पल भर ही मिला आपको, आपके असाधारण व्यक्तित्व और रूहानी सम्मोहन में बंधकर रह गया। जिसने जिस भी रूप में देखा, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, सखा,
हर किसी को ये एहसास होता रहा कि आप उसी के हैं। हर दिल में बसी हुई है आपके अपनत्व की, प्रेम की, परोपकार की कहानी। लेकिन आपकी इन कहानियों से कहीं ऊंची हैं आपकी शिक्षाएं, जो आप बार बार दोहराते रहे, अपने कर्मों से सिखाते रहे। आप अक्सर कहते थे कि छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीखें, दूसरों की कमियों को नहीं खूबियों को याद रखें। कहते हैं कि एक बार किसी ने बाबा जी को किसी के प्रति शिकवे शिकायतों से भरा एक पत्र दिया, तो बाबा जी ने उस पत्र को बिना पढ़े ही उस कागज को उलटकर उन्हें पकड़ाते हुए कहा, अगली बार जब आप आए तो इस पर उनकी खूबियां लिख कर लाएं। तो इस तरह से बाबा जी अक्सर मानवीय मूल्यों की शिक्षाएं हमें दिया करते थे। आपका प्यार हर इंसान पर बराबर बरसता रहा, झोपड़ी हो या महल, आपके पावन कदमों में वही रवानी, नूरानी मुखड़ी पर वही मुस्कुराहट हर जगह रही। कहते हैं कि एक बार एक कल्याण यात्रा के दौरान आप एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां दुनियावी सुविधाओं का अभाव था। कच्ची मिट्टी की दीवारें, मिट्टी की फर्श और फूस की छत थी। यात्रा में साथ गए श्रद्धालु गर्मी से बेहाल हो रहे थे, किंतु आपका पावन प्रेम उस भयंकर गर्मी में भी सहजतापूर्ण मुस्कानों के साथ बहता रहा। ऐसा सुना करते थे कि प्रेम के वश भगवान ने जूठे बेर खाए, यहां तो कदम कदम पर इन्हीं नजरों ने ये नजारा देखा। इसी कल्याण यात्रा में जब आप आगे बढ़ने लगे तो देखा कि एक श्रद्धालु हाथ जोड़े विनीत भाव से खड़ा है, तो आप पैदल ही उसके साथ चल पड़े। उसकी झोपड़ी में गए, उसने आपको धान के पुआल से बने पीढ़े पर बैठाया। वहां भी आपकी वही मीठी मुस्कान, वही स्नेह बरसता रहा। साथ गए महापुरुषों ने देखा कि अरे ये तो कुष्ठ रोगी है, शायद इसे दूर रहना ठीक है। लेकिन बाबा जी उसे अपने पास बुलाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे और उस भोले भक्त का हृदय गदगद होता रहा। ये बातें तो सिर्फ कही जा सकती हैं, और शब्दों में वो तासीर कहाँ जो महसूसियत को बयां कर सके। सोचती हूँ कि कहाँ से लाऊं वो तासीर जो उस पावन प्रेम को प्रकट कर सके जो दिल ने महसूस किया। उनकी आवाज का वो मध्यम मध्यम टोन, वो बेहद सावधानी से शब्दों का चुन चुन कर प्रयोग करना कि किसी के नाजुक दिल को जरा भी सख्त ना लगे। एक बार सेवादल रैली में एक नाटक पेश किया गया, जिसमें एक ऐसे नौजवान भक्त ने भी भाग लिया जिनका शारीरिक कद बहुत छोटा था। जब बाबा जी उनके रिहायशी टेंट में दर्शन देने गए तो साथ के किसी महात्मा ने कहा कि बाबा जी ये वही बौना है जिसने सेवादल रैली में अधिकारी का रोल किया था। ये संबोधन सुनकर बाबा जी को अच्छा नहीं लगा और तुरंत बात को ठीक करते हुए स्नेहपूर्वक बोले, वो तो नाटक था, असल में इनका कद तो बहुत ऊंचा है। शब्दों के प्रयोग में दूसरों के सम्मान का ख्याल रखना, बाबा जी से बेहतर और दूसरी मिसाल कहाँ। एक बार कुछ भक्त आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आए कि बाबा जी युवाओं के लिए एक वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है, तो बाबा जी ने कहा, एक दूसरे की बात को काटने के बजाय कुछ ऐसा आयोजन करो जिसमें सभी अपने अपने विचार रख सकें। वाद विवाद प्रतियोगिता के बजाय बाबा जी ने नाम दिया, युवा शक्ति अनुशक्ति के समान है, इनका सदुपयोग करें। ये दूरदर्शिता, ये दूसरों की भावनाओं का सम्मान एक मसीहा के सिवा और कौन कर सकता है भला। बाबा हरदेव सिंह जी के परोपकारों की गाथा अनंत है, वो शब्दों में नहीं समाते। आप कहने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए हैं। आपका जीवन प्रेरणा का अथाह भंडार है, जो सिर्फ चर्चा के लिए नहीं जीने के लिए है। आइए मिलकर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के शिक्षाओं में बाबा हरदेव सिंह जी को जिया जाए, है ना। दोस्तों,
हमने अक्सर सुना है, बाबा जी की बात जहां भी होती है हम कह देते हैं कि वो तो सतगुरु थे, वो तो ऐसा जीवन जी सकते थे। हम तो इंसान हैं, हम इतना प्यार कहां से लाएं। बाबा जी ने इसका भी सलूशन दिया है, तो उन्हीं के मुखारबिन से सुनी हुई ये बात आप सभी से कहना चाहूंगा। माना कि इस धरा को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो दोस्तों, मैं आपसे लेता हूं विदा, और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक देना मत भूलिएगा। फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल है voicedivine@nirankari.org और studio@nirankari.org। और अब चलते चलते सुनते हैं बाबा जी का ये पावन संदेश। प्यार की बात करें, प्यार को अपनाने की बात करें, तो प्यार बोझल नहीं है, नफरत बोझल है। तो इसलिए प्यार को ही तू इकट्ठा कर, प्यार से ही युक्त हो और प्यार ही बांटता चला जा, प्यार की दौलत देता चला जा। और ये सच्चे प्यार वाले, सच्चे इश्क वाले जो इस नाम के रंग में रंगे होते हैं, जो इस सच का बोध हासिल कर लेते हैं, वो कभी भी नफरत का भाव मन में लाते नहीं हैं। वो हर उस दीवार को गिराते चले जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में किसी ने कहा है कि लव रिकग्नाइजेस नो बैरियर्स, देयर इज नो बैरियर फॉर लव, इट जंप्स हर्डल्स, लीप्स फेंसेस, पेनिट्रेट्स वॉल्स। सो दोज हु आर फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, दे डू नॉट रिकग्नाइज एनी वॉल, दे ओनली हैव अ ह्यूमन फीलिंग एंड दे कंसिडर अदर्स एज देयर फेलो बींग्स। द स्पार्क इन द फॉर्म ऑफ सोल विच रिजाइड्स इन एवरीबॉडी, दैट्स व्हाट दे रिकग्नाइज।